जोधपुर से बड़ी खबर, जहां अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा मामला। होटल व्यवसायी तैयब अंसारी के निवास पर सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की पड़ताल की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब्जे में लिए गए हैं। अनीता चौधरी के पति और सहेली के 18 मिनट के ऑडियो में बार बार अंसारी का जिक्र आया था। अंसारी का जिक्र बार बार आने पर पुलिस को संदेह हो रहा, किसी ने किसी प्रकार की भूमिका पर संदेह किया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना सामने आने के बाद से अंसारी पुलिस हिरासत में है। अंसारी के घर के बाहर अंसारी के वकील अहमद हुसैन भूरट ने मीडिया से बातचीत की। अंसारी के किसी भी मामले में शामिल होने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसी साजिश या ब्लैकमेलिंग में अंसारी को फंसाने की कोई योजना लग रही है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला, जिसमें तैयब अंसारी के निवास पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि तैयब अंसारी का जिक्र अनीता चौधरी के पति और उनकी सहेली की बातचीत वाले ऑडियो में बार बार हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और अब सर्च किया जा रहा है। आपको पूरा केस का पता है? पूरा केस का पता तो नहीं है सर, पर जो अखबार से जानकारी मिली है, पर मेरा निजी तौर पर जो जानना बच्ची थी, साथ में जानता हूँ, ऐसा इनका कोई व्यवहार नहीं है, इस तरह की कोई हरकत कर नहीं सकते किसी भी सूरत में। अब पुलिस किस व्याप पे इनको कर रही है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिल्कुल साफ सभी के इंसान है और इस तरह की अपराधी गतिविधियों में कभी लिप्त नहीं हो रहा। अनीता से संपर्क तो है नहीं, ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, जो होटल आया उसमें 10 बार का जिक्र आया। अब जिक्र तो साहब कोई भी किसी प्री प्लान के अंदर कोई नाम ले सकती है बताने के लिए, पैसे वाली पार्टी है उसको ब्लैकमेलिंग करके ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ब्लैकमेलिंग करने के लिए किसी महिला से संपर्क करवा के उसको बाद में फंसाने की कोशिश? हाँ, ये हो सकता है, इतना पॉसिबल। कैसे भाई? एक दीप्ति भारती डिग्निटी है, शहर की एक जानी मानी हस्ती है, तो उसको भी ब्लैकमेलिंग करके पैसा हटने के लिए कोई भी तरह का किस तरह भी प्लान तैयार किया जा सकता है। इसमें हत्या जिस तरह से की गई है उसको आपको क्या लगता है? भाई, हत्या में एक किसी 1% भी इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता सर, क्यों? मैं निजी तौर से 25-30 साल से जानता हूँ, न्याय शरीफ आदमी है और ऐसा कभी किसी अपराधी गतिविधि में शामिल नहीं रहे, सफल व्यापारी हैं और समाज सेवी भी हैं, समाज के अंदर भी अच्छी बहुत छवि है इनकी, तो इस तरह का ये जघन्य अपराध में कभी भी लिप्त नहीं हो सकते, ये मेरा निजी जानकारी मिली। आप यहाँ पे कैसे आए? मेरे को जानकारी मिली है, मेरा ऑफिस यहीं पे पीछे है सर। आप नहीं, मैं एडवोकेट हूँ साहब, उनके निगम जेडीए काम देखता हूँ और 25-30 साल से मैं टच में हूँ। मेरा ऑफिस यहीं पे पाकी सड़क के पास में है, ब्रट एसोसिएट। आपका परिचय दीजिए सर। अहमद हुसैन ब्रट एडवोकेट। तो अनीता चौधरी हत्याकांड मामला, जिसमें तैयब अंसारी के वकील का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश लग रही है, किसी तरह से ब्लैकमेल करने की साजिश का नाम उन्होंने दिया है। तैयब अंसारी के निवास पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। निवास पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है इस समय, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से ब्यूरो चीफ जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल सौरभ, बता दूं कि पुलिस 48 घंटे की पूछताछ के बाद आज तैयब अंसारी को उनके निवास लेकर पहुंची। सुबह दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उनके कंप्यूटर, कुछ गैजेट भी जो है पुलिस ने जब्त किए हैं।
वो सारी चीजें लेकर पुलिस जो है वहां से अब निकल चुकी है। कई पुलिस का ये भी कहना है कि कई महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य इस लैपटॉप और कंप्यूटर से मिल सकते हैं, जो इस कड़ी को आगे जोड़ने में एक महत्वपूर्ण जो है काम कर सकती है। फिलहाल तैयब अंसारी का नाम एक ऑडियो के बाद सामने आया था, जो 18 मिनट का एक ऑडियो आया था उसमें तैयब अंसारी का बार बार जिक्र था और उसी के तहत पुलिस उसको लेकर आज जो है उसके निवास पहुंची। तकरीबन 4-4.5 घंटे का सर्च ऑपरेशन पुलिस ने चलाया था। जी, तैयब अंसारी के कोई वकील है मिलने वाले हैं जिनका ये भी कहना है कि ब्लैकमेलिंग की कोई साजिश इसमें लग रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से तैयब अंसारी का जो अधिवक्ता है, वकील है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि तैयब अंसारी एक सीधे साधारण से आदमी हैं और काफी समाज के लिए काम करते हैं। कहीं ना कहीं इनको जो है फंसाया जा रहा है, हो सकता है कि इनके साथ ब्लैकमेलिंग की जा सकती है। तो वो आरोप जितेंद्र किस पर लगा रहे हैं, वो प्रशासन की इस कार्रवाई पर लगा रहे हैं आरोप, या जो अनीता के जो सहेली है, पति है, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, जो तैयब अंसारी के वकील है अहमद हुसैन बूरट, इन्होंने जो है उस अनीता पर जो है संदेह दायर किया है कि वो जो है ब्लैकमेलिंग कर सकती है। और जो तैयब अंसारी है काफी जो है समाज हितेशी लोग, समाज के हित के काम करते हैं, कई समाज के लिए भी काम करते हैं और एक साधारण से इंसान है, काफी मिलनसार इंसान है। जिस तरीके से उनके वकील का कहना है कि हो सकता है कि उनके जो है ब्लैकमेलिंग की जा रही होगी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने आज कंप्यूटर और लैपटॉप इसके साथ मोबाइल भी जब्त किए हैं, ये सारी चीजें लेकर अब थाने पहुंची है, पूरी जांच की जाएगी कड़ी से कड़ी। धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।